आज 17 सितंबर है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बताते हुए बहुत सारे लोग दनादन बधाई दे रहे हैं। अपनी पार्टी के और समर्थकों को तो छोड़ दीजिए, विपक्षी दलों के तमाम नेता, वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या फिर अन्य लोग, सब के सब कोई मिलके साहब को बधाई दे रहा है तो कोई ट्वीट करके बधाई दे रहा है। मगर क्या आपको पता है कि ये सारे लोग बेमतलब अपना समय खराब कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन आज है ही नहीं। ये बात खुद ही उन्होंने पिछले कुछ दिनों में बताया था, पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, मगर फिर भी लोग बधाई दिए जा रहे हैं। क्या है पूरी कहानी थोड़ी देर में बताएंगे। वैसे ऐसा नहीं है कि सभी लोग बधाई ही दे रहे हैं, बहुत सारे लोग साहेब के 10 साल के कारनामों पर बेरोजगारी दिवस भी मना रहे हैं, बाकायदा ट्रेंड चल रहा है। वहीं कुछ लोग पूछ रहे हैं कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के घर में घंटी बजाने चले गए थे, यानी साहेब तो उनके घर से लड्डू खा के आ गए, क्या चीफ जस्टिस भी प्रधानमंत्री के घर केकवा खाने जाएंगे। दर साहेब के अंधभक्तों ने मूर्खता की पराकाष्ठा को पार कर दिया है। आज ही के दिन विश्वकर्मा पूजन पूरे देश में मनाया गया और अंधभक्तों ने ये वाला कांड किया है, एकदम तगड़ी वाली चर्चा इस पर करेंगे। बहुत सारे लोग राष्ट्रीय बैल बुद्धि दिवस भी मना रहे हैं, तो हम भी इस वीडियो में एकदम चौचक स्टाइल में बात करेंगे कि साहेब को जन्मदिन की बधाई देनी चाहिए कि नहीं, और उनको कुछ देने से पहले ये भी देखेंगे कि उन्होंने 10 साल में देश को क्या दिया, यानी आपको क्या दिया, और जो दिया है उसके कुछ उदाहरण के सामने रखूंगा। ये सारे उदाहरण एक से बढ़ के एक हैं, देखने के बाद आप मजबूर हो जाएंगे थैंक यू फलाने जी बोलने पर, इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत आनंद आने वाला है। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप में पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी के साथ घंटी भी बजा दीजिएगा टर्न से। हर एक वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा कमेंट में अपनी राय रखना बहुत जरूरी है। ये वो तरीका है जिससे एकदम मुफ्त में, एकदम फ्री में आप इस चैनल को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, इसीलिए न इनकी बजाते हैं न उनकी गाते हैं, बल्कि शुद्ध देसी भोजपुरिया स्टाइल में कहें तो समय समय पर आपकी खातिर आपके मुद्दों पर सबको बजाते हैं और आपके मुद्दों की धुन पर सवालों का राग चलता रहे। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारा सहयोग करें, इस क्यू आर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अंधभक्तों के मानसिक दिवालियेपन की ये तस्वीर देख लीजिए। बताया जा रहा है कि पटना के वेद स्कूल में भाजपाई कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को भगवान विश्वकर्मा के रूप में बनाया, दूध से अभिषेक किया और पूजा की। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने बताया कि पीएम मोदी आधुनिक भारत के विश्वकर्मा हैं और देश का पूरी दुनिया में नाम बढ़ाया है। अब सवाल यह है कि क्या एक नेता की तस्वीर को विश्वकर्मा पूजन में प्रयोग करना, वो भी ऐसे नेता की जो हर दिन दर्जनों झूठ बोलता है, नफरत फैलाता है, अपने ही देश में बंटवारा करता है। इसके अलावा जहां तक बात विश्वकर्मा होने की है तो साहेब कौन से विश्वकर्मा है, इसकी दर्जनों तस्वीरें हर रोज सामने आती हैं। हर दिन पुल गिर रहे हैं, हर दिन हाईवे फट रहे हैं, एक्सप्रेसवे धंस जा रहा है, मध्य प्रदेश में महाकाल की मूर्ति बने, चाहे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति, एक साल तक टिक पाने की क्षमता किसी में नहीं होती, और एक साल की उम्मीद तो बहुत ज्यादा कर ली हमने। साहेब इतने तगड़े वाले विश्वकर्मा हैं कि एक तरफ इनकी सड़कें बन रही होती हैं और दूसरी तरफ से रिपेयर का काम भी चालू हो जाता है। मैंने कई बार आपको दिखाया किस तरीके से वाराणसी का रिंग रोड पूरा होते होते न जाने कितने दर्जन या सैकड़ों बार रिपेयर हो चुका है। इसी तरह से वाराणसी गोरखपुर हाईवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को याद करिए, उद्घाटन के तुरंत बाद से रिपेयरिंग चालू है। मुंबई का अरबों रुपए से बना हुआ सेलिंक याद करिए, और हाल फिलहाल में दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाली जो सड़क बन रही है उसके भी धंस जाने की खबर सामने आई है, जगह जगह होल हो गया है। कुछ दिन पहले ही गुजरात के एक ओवर ब्रिज का मामला सामने आया जो बना था 42 करोड़ में, 100 साल चलेगा ऐसा दावा किया गया था और 5-6 साल में जर्जर हो गया, और उसको तोड़ने का ठेका 52 करोड़ में दिया जाएगा, यानी 42 करोड़ में बना, अब 5 साल बाद 52 करोड़ लगा के तोड़ा जाएगा। कितना बढ़िया योजना है। अभी पिछले दिनों हमने देखा किस तरह से अलग अलग एयरपोर्ट के कैनोपी उड़ रहे थे, संभवतः दिल्ली में एक कैब ड्राइवर की मौत भी हो गई, और यहां तक कहा जाने लगा कि बारिश हो तो भीग लीजिए, आंधी चले तो जमीन पर बैठ जाइए, और बहुत तेज बिजली कड़क रही हो तो भी 100 बार सोचकर ही साहेब के बनाए गए किसी निर्माण के नीचे शरण लीजिए, किसी पुल के नीचे शरण लीजिए, क्योंकि बिजली मारे ना मारे वो पुल आपके लिए सुसाइड पॉइंट जरूर बन सकता है। बात यहां तक होने लगी है कि ये आने वाले दिनों में लोग पुल के ऊपर से कूदने के बजाय साहेब के पुलों के नीचे बैठना ना शुरू कर दें जीवन समाप्त करने के लिए। सवाल यह है कि पूरा देश जिस विश्वकर्मा की पूजा करता है, क्या उनका निर्माण इतना कमजोर और इतना भ्रष्टाचारपूर्ण होता है? कहा जाता है कि इन्होंने सृष्टि की रचना की, तो क्या उन्होंने सृष्टि की रचना करने में कोई भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाया, क्या कमीशन लेकर टेंडर दिया, फ्रॉड की, लूट की, खा के बैठ गए, ऐसा कुछ किया था क्या? और यदि ऐसा कुछ नहीं किया
किया था। तो नरेंद्र मोदी की तस्वीर को विश्वकर्मा के रूप में पूजना, क्या ये किसी की भावनाओं को आहत नहीं करता? क्या भावनाएं भी राजनीतिक विचारधारा के गुलाम हैं? पार्टी के हिसाब से आहत होती हैं, सत्ता के हिसाब से आहत होती हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या भावनाएं इस समय छुट्टी पर हैं जो आहत होनी बंद हो चुकी हैं। सोचिए, एक तरफ भक्त साहेब को विश्वकर्मा बता रहे हैं और दूसरी तरफ साहेब खुद ही भगवान विश्वकर्मा जयंती मना रहे हैं। मतलब गजब की कंफ्यूजन है भाई। वैसे कंफ्यूजन सिर्फ भक्तों और साहेब के बीच ही नहीं है, बल्कि साहेब ने खुद ही खुद को लेकर, खासकर अपने जन्मदिवस को लेकर भयंकर वाली कंफ्यूजन पैदा कर दी है। चौतरफा चर्चा हो रही है। आज की तारीख में तमाम लोग प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, अपने अपने तरीके से खूब बढ़िया बढ़िया शब्द ढूंढ ढूंढ के लिख रहे हैं। मगर वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन तो है ही नहीं, और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन आज नहीं है, बल्कि उनका जन्मदिन तो हो ही नहीं सकता। और यदि जन्मदिन नहीं है तो फिर जन्मदिन की बधाई कैसी और क्यों? अब आपके मन में आ रहा होगा कि इनका जन्मदिन क्यों नहीं हो सकता। अरे भाई, जन्मदिन उसका होता है जिसका जन्म होता है, और जिसका जन्म होता है वो बायोलॉजिकल होता है, यानी जन्म तो माँ बाप के कारण होता है ना। अब जो व्यक्ति खुद ही घोषित तौर पर कह चुका हो, गोदी मीडिया के कैमरे पर कह चुका हो कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, यानी वो माँ बाप से पैदा नहीं हुआ, यानी पैदा नहीं हुआ, तो अगर पैदा ही नहीं हुआ तो जन्मदिन कैसा? इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के ही अनुसार उनका जन्मदिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पैदा ही नहीं हुए, वो तो नॉन बायोलॉजिकल है। आसान भाषा में जिसे कहा जाए कि वो अवतार लिए हुए हैं, यानी अवतरित हैं। आम आदमी को ये बातें अजीब लग सकती हैं, मगर भक्तों को ये बातें अजीब नहीं लगती। तभी तो साहेब की तस्वीर लगाकर विश्वकर्मा भगवान बना दिया। पिछले दिनों आपने देखा RSS वाले चंपत राय कह रहे थे, वो मंदिर वाले, कि मोदी जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। अब आप लोग ये मत कहने लगिएगा कि अगर ऐसा है तो जाके समंदर में सांप के ऊपर लोटे हुए नजर क्यों नहीं आते। ज्यादा कहेंगे तो साहेब जाके लौट भी सकते हैं, और ये कोई नई बात तो है नहीं। पिछले दिनों समंदर के भीतर भी गए थे, खूब फोटो वीडियो सामने आई थी, हम सब ने देखा। अब नॉन बायोलॉजिकल आदमी कुछ भी कर सकता है, और मुमकिन है योजना अभी भी चल रही है। इसी बीच एक सवाल ये भी पैदा हो गया है कि साहेब तो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंचूड़ के घर पे जाके गणेश पूजा में लड्डू खा लिए, आरती गा लिए, थाली घुमा लिए, अब अपने घर बुला के चीफ जस्टिस को बर्थडे का केक खिलाएंगे कि नहीं, और चीफ जस्टिस केक खाने साहेब के घर जाएंगे कि नहीं? आप ही में से किसी दर्शक ने बार-बार इस बात पर जोर दिया तो देखिए, हमको नहीं पता है कि ये लोग एक साथ बर्थडे मनाएंगे कि नहीं, केक खाएंगे कि नहीं, और एक दूसरे के मुंह पर केक लगाएंगे कि नहीं, और यदि ऐसा करेंगे तो उसकी फोटो वीडियो सामने दुनिया के सामने रखेंगे कि नहीं। मगर सबसे ज्यादा की बात तो यही है कि देश की इतनी बड़ी संस्थाओं के मुखिया के बारे में आम जनमानस ऐसी ऐसी बातें करने लगा है। इससे ज्यादा शर्मनाक दिवस लोकतंत्र के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। इसमें यह बुरा नहीं है कि लोग ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं, बुरा यह है कि लोगों को ऐसी बातें कहने का मौका दिया जा रहा है, अवसर दिया जा रहा है, और फिर मौका देने के बाद लोग रोने धोने भी लग रहे हैं। यानी एक तो आप झूठ झपाट बोल के लोगों को टोपी पहनाएं, और लोग जब आपका झूठ पकड़ लें तो आप रोने लगते हैं कि देखो देखो हमारा मजा ले रहा है। सवाल ये नहीं है कि लोग आपका मजा ले रहे हैं, सवाल तो ये है कि आप लोगों को मजा दे क्यों रहे हैं। अगर आप हर भाषण में दर्जनों झूठ न बोलते, फेंकम फाक न करते, नफरत भरी बातें न करते, झूठे वादे और फरेबी दावे न करते, तो कोई भी आपका मजाक क्यों बनाएगा? और वैसे भी मजाक बनाने में आपसे बढ़िया कलाकार कौन हो सकता है? अब सोचिए कि भारत में 10 साल लगातार प्रधानमंत्री पद को संभालने के बाद 11वें साल सरकार चला रहे हैं। कितने दशक से गुजरात में भाजपा की सरकार है, साहेब खुद भी मुख्यमंत्री रहे, आज भी सब कुछ इन्हीं के हाथ में है, मगर फिर भी गुजरात के लोगों को डराया जा रहा है। कह रहे हैं कि भारत के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा कुछ लोग रखते हैं, गुजरात वालों को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। जाहिर सी बात है, इशारा है कांग्रेस की तरफ, विपक्ष की तरफ। पिछले दिनों राहुल गांधी ने भरी संसद में ऐलान किया और इस तरह से आंखें दिखाते हुए कह दिया कि इस बार आपको गुजरात में हराएंगे। बाकायदा गुजरात जाकर भी राहुल गांधी ने ऐलान किया, चुनौती दी है कि इस बार हराएंगे। यानी साहेब इशारों में कह रहे हैं कि वो लोग देश को बांटने वाले हैं। अब सवाल यह है कि जब दशकों के डबल इंजन के बाद भी कोई टुकड़े टुकड़े कर सकता है, तो फिर कितने कमजोर तरीके से आपने देश को संभाला है? और फिर आप गुजरात के लोगों को सतर्क कर रहे हैं। गुजरात ने 2002 के दंगों को भी देखा है। वहां के लोगों को बड़ी आसानी से इस बात का एहसास हो सकता है कि मणिपुर की जनता इस वक्त क्या कुछ झेल रही है, और एक दो दिन से नहीं बल्कि 17 महीनों से झेल रही है। अब सवाल यह है कि अपने ही एक राज्य को जलता हुआ छोड़कर, जहां अपने ही डबल इंजन का मुख्यमंत्री है, अपने ही लोगों पर कथित तौर पर बम मारता है, जो गृहमंत्री को यानी नकली चाणक्य को झूठ बोलकर बरगला देता है और उसका कथित ऑडियो सामने आता है, इसके बाद भी आप मणिपुर को संभाल नहीं पाते, कोई एक्शन नहीं ले पाते, तो फिर असली टुकड़े टुकड़े करने की मंशा कौन रखता है?
कोई और है या फिर डबल इंजन ही है, और फिर अपने ही देश के लोगों को इस हाल में छोड़कर आप फरार हैं। सोचिए इससे ज्यादा कमजोर लीडरशिप और क्या हो सकती है कि 17 महीने से एक राज्य जल रहा है, उसे शांत करना तो दूर की बात है। साहेब आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाए मणिपुर जाने की, आज भाषण दे रहे हैं कि जब दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ता है, भरोसा बढ़ता है, तो इसका लाभ भारत के किसानों और नौजवानों को मिलता है। अब आप जनता बताइए, साहेब के अनुसार दुनिया में भारत का खूब सम्मान और भरोसा बढ़ गया है, आपको कितना लाभ मिला? उम्मीद है आप भी किसी सुगुरु की तरह हजारों रुपया किलो का मशरूम खाके 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते होंगे, लाखों का सूट और लाखों की कलम, लाखों का चश्मा लगा के टीवी देखते होंगे, क्योंकि दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ गया है भाई। हल्की सी बारिश में जिस गुजरात के बड़े बड़े शहर तैरने लग जाते हैं, उस गुजरात में जाकर साहेब फिर से भौकालबाजी कर रहे हैं और डरा रहे हैं। और तो और, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से पहले यानी चुनाव के दौरान साहेब ने वादा किया था एक गोदी मीडिया के चैनल में बैठ के कि 100 दिन के भीतर पता नहीं क्या क्या कर देंगे। हालांकि गोदी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए यह नहीं बताया गया कि क्या करेंगे, कहने लगे कि आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा, यानी जनता के बारे में क्या प्लान है ये वो बताने पर आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा इसकी चिंता थी, लेकिन जनता को डराने में, बेवकूफ बनाने में, एक लाइन में दसियों झूठ बोलने में, नफरत फैलाने में, मुसलमानों को गरियाने में, उन्हें घुसपैठिया बुलाने में साहेब को आचार संहिता का उल्लंघन नजर नहीं आया। उसी वक्त मैंने कहा था कि 100 दिन का जुमला 100% झूठ पर आधारित है, और देखिए ना अब 100 दिन हो गया तो साहेब किस तरीके से गोल गोल फिर से घुमाने लगे हैं। जरा सी भूमिका सुन लीजिए, साहेब कितनी बढ़िया भूमिका बांध रहे हैं। इसके बाद साहेब के 10 सालों की 24 घंटे वाली मेहनत के परिणाम के कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगा, उन्हें जरा विशेष फोकस करके देखिएगा। मैंने लोकसभा चुनाव के दरमियान आप लोगों को, देशवासियों को एक गारंटी दी थी। मैंने कहा था कि तीसरे टर्म के पहले 100 दिन देश के लिए अभूतपूर्व फैसले लिए जाएंगे। बीते 100 दिनों में मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, 100 दिन के एजेंडे को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। देश हो या विदेश, जहां भी जो भी प्रयास करने थे वो किए, कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। और आपने देखा होगा पिछले 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी, इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे, मोदी का मखौल उड़ाने लगे, भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे और लोग भी हैरान थे कि मोदी क्या कर रहा है, क्यों चुप है, इतनी मजाक हो रही है, इतना अपमान हो रहा है। लेकिन मेरे गुजरात के भाइयों बहनों, ये सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है, हर मजाक, हर मखौल, हर अपमान को सहते हुए एक प्राण लेकर के 100 दिन मैंने आपके कल्याण के लिए, देश हित के लिए नीति बनाने और निर्णय लेने में जुटा लिए, और तय किया था जिनको जितना मखौल उड़ाना है उड़ा दो, दो उनको भी तो मौज आएगी, यार ले लो ले लो। और मैंने तय किया था मैं एक भी जवाब नहीं दूंगा। जिस रास्ते पर मुझे देश के कल्याण के मार्ग पर चलना है, कितने ही प्रकार के हंसी मजाक ठिठोरापन होता रहे, मैं अपनी इस राह से भटकूंगा नहीं। और आज मुझे खुशी है
कि उन सब अपमानों को पछाते हुए 100 दिन के इन निर्णयों में देश के हर नागरिक, हर परिवार, हर वर्ग के कल्याण की गारंटी पक्की हो गई है। इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा योजनाओं पर काम शुरू हुआ है। चुनाव के दौरान मैंने 3 करोड़ नए घर बनाने की गारंटी देश को दी थी। इस गारंटी पर तेजी से काम हो रहा है। आज यहां इस कार्यक्रम में भी गुजरात के हजारों परिवारों को पक्का घर मिले। सुन लिया आपने, उम्मीद है ये सारी सुविधाएं आपको मिल गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। साल 2014 में साहब आए थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देने, सबके खाते में 15 लाख देने, काला धन वापस लाने, भ्रष्टाचार मिटाने, भ्रष्टाचारियों को सजा देने, विकास की गंगा बहाने, गंगा को निर्मल बनाने, महिलाओं को सशक्त बनाने, युवाओं को कुशल बनाने, सस्ता डीजल पेट्रोल दिलाने, 100 स्मार्ट सिटी बनाने, चीन को लाल लाल आंख दिखाने, 1 के बदले 10 सिर पाकिस्तान से लाने, महंगाई घटाने और आपका जीवन आसान बनाने। और 10 साल बाद की तस्वीर ऐसी है कि हरियाणा के चुनाव में जाकर जहां डबल इंजन ने 10 साल तक काम किया है, वहां न तो अपने कार्यों का हिसाब देने के लिए कुछ है और न ही आगे की प्लानिंग, जमीनी प्लानिंग बताने के लिए कुछ है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को कोसते हैं और झूठ बोलते हैं, डराते हैं, बरगलाते हैं और फिर चले आते हैं। आज साहिब के 10 साल की सत्ता के बाद का परिणाम यह नजर आ रहा है कि राह चलते कहीं भी किसी भी अल्पसंख्यक दलित समुदाय या महिला का जीवन संकट में आ सकता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खबर आई है कि वहां एक महिला दरोगा को ही घर से किडनैप कर लिया। बाकी रामराज्य में बुलडोजर और एनकाउंटर कितना बढ़िया चल रहा है ये तो आप सब जानते ही हैं। वैसे बुलडोजर से याद आया, सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर को लेकर एक याचिका दायर की गई है। कहा गया है कि जहां जहां बुलडोजर गलत तरीके से चला है वहां पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। सवाल यह है कि मुआवजा देने से क्या होता है? जिन लोगों ने बुलडोजर चलवाया है, कुर्सी के लालची नफरत के पुजारियों ने जो लोगों का घर उजाड़ा है, उनकी जेब से तो मुआवजा जाएगा नहीं। अगर अदालत मुआवजा देने की बात कर भी देती है, ऐसा आदेश आ भी जाता है, तो जनता का पैसा है, उठा के जनता को देना है दे देंगे, उसमें जाएगा क्या? मगर सवाल यह है कि क्या फिर बुलडोजर चलना रुक जाएगा? यहां तो मुआवजे के साथ साथ कठोर सजा का प्रावधान भी होना चाहिए, ताकि बेमतलब शौकिया राजनीतिक रूप से बुलडोजर चलाने वालों को उनके किए की सजा मिल सके। और इसी तर्ज पर उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो राजनीति के इशारे पर काम करते हैं, बिना सबूत के, बिना तथ्यों के किसी को भी उठाकर सालों साल के लिए जेलों में ठूस देते हैं, बाद में पता चलता है कि कोई सबूत ही नहीं है। अब अपनी स्क्रीन पर द मुस्लिम के ट्विटर हैंडल से शेयर किए गए इस मामले को देखिए। उत्तर प्रदेश के बागपत में 2 मुस्लिम युवकों को नफरती गुर्गों ने मारा पीटा। ईद मिलाद पर फहराए जाने वाले झंडे को इन गुर्गों ने पाकिस्तान का झंडा बताकर मुस्लिम युवकों के साथ दुर्व्यवहार किया। इस वीडियो में मारपीट और गाली गलौज है, इसीलिए हम आपको दिखा नहीं सकते। एक बात और बता दें, ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की विशेष नजर हमारी वीडियोस पर है। इस वीडियो में हमने महिलाओं के साथ हो रही दुर्दांत घटनाओं पर बात की थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर चर्चा हुई थी। सवाल हुआ था कि क्या इन मुद्दों पर भी मैडम बोलेंगी, और अब यूट्यूब कह रहा है कि ये वीडियो 18 से कम उम्र के लोग नहीं देख सकते। सामान्य तरीके से, एकदम सामान्य तरीके से सिर्फ खबर बताई थी मैंने, न तो ऐसा कोई दृश्य है जो हिंसा या खून खराबा दिखाता हो, न ही कोई अश्लीलता है। मगर चूंकि मुमकिन है, योजना जारी है, तो कुछ भी पॉसिबल है। तो ये एक उदाहरण आपने देखा कि साहब ने अपनी सत्ता में देश को किस कदर नफरत में ढकेल दिया है कि राह चलते कभी भी किसी भी अल्पसंख्यक के साथ कुछ भी हो सकता है। महिलाओं को लेकर साहब ने एक विशेष माहौल बना दिया है। यदि आप इनके समर्थक हैं, इनकी विचारधारा के हैं, तो आप किसी भी स्तर पर किसी भी महिला के साथ कुछ भी करेंगे, सजा के बजाय आपको इनाम मिलेगा। जेल से आएंगे तो फूलमाला पहनाया जाएगा, लड्डू खिलाया जाएगा, आपके नेता बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। साहब का डबल इंजन लग जाएगा बलात्कारियों और हत्यारों को समय से पहले रिहा कराने में। सुप्रीम कोर्ट से झूठ भी बोलना पड़े तो बिल्किस बानो के आरोपियों की तरह, उनके बलात्कारियों की तरह, उनके परिवार वालों के हत्यारों की तरह आपको भी छूट मिल सकती है। राम रहीम जैसे बलात्कारियों को और आसाराम जैसे लोगों को जेलों से बाहर निकाला जाता रहेगा। बीएचयू में किसी छात्रा के सिर पर बंदूक सटा के उसके साथ दुष्कर्म करने वाले बीजेपी आईटी सेल के गुर्गों को एकदम आसानी से टाइम पर जमानत मिल जाएगी। 10 साल में युवाओं के लिए जो मिला है उसका सबसे बढ़िया उदाहरण अग्निपथ योजना है। बाकी बेरोजगारी तो देश में कहीं है नहीं, जिनके पास काम नहीं है वो सब काम चोर है, निठल्ले हैं, उनको कुछ आता ही नहीं, वो काम ही नहीं करना चाहते हैं।
स्वजन से गोदी मीडिया और इन सब को छुपाने ढकने के लिए नफरत की मंडी सजाई गई है। मगर मंडी चाहे जिस भी चीज की हो, समस्या यह है कि यदि आप किसी के भीतर जरूरत से ज्यादा जहर भर देंगे, जरूरत से ज्यादा कट्टर बना देंगे, तो वो जहर आपको भी नहीं छोड़ेगा, आपके ऊपर भी असर डालेगा। अपनी स्क्रीन पर इस व्यक्ति को देखिए, इनका नाम है यति नरसिंहानंद गिरी। न सिर्फ सरेआम देश के करोड़ों हिंदू आबादी को ललकार रहे हैं, उन्हें हिंसा के लिए उकसा रहे हैं, नफरत भर रहे हैं, बल्कि भारत की सरकार को भी चुनौती दी जा रही है। यानी भारत सरकार को इनसे पूछ के क्रिकेट मैच करवाना चाहिए, अमित शाह और उनके बेटे को इनसे पूछ लेना चाहिए मैच करवाएं कि नहीं। इनका कहना है कि भारत में बांग्लादेश और इंडिया के बीच क्रिकेट नहीं खेला जाना चाहिए। और तो और, भारत सरकार से लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बेटे तक को किस तरीके से आड़े हाथों ले रहे हैं, इनको सुनिए, एकदम साफ हो जाएगा कि साहब ने 10 साल में देश को क्या क्या दिया है और किस तरीके से उनका दिया हुआ उनको भी नहीं छोड़ रहा है, नहीं बख्श रहा है। भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं महामंडेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी। भारत और बांग्लादेश की एक क्रिकेट टेस्ट मैच और जो वनडे या 2020 जो भी है, इसकी एक श्रृंखला शुरू होने वाली है। ये 19 सितंबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। हिंदुओं डूबकर मर जाओ कहीं, अगर थोड़ी बहुत शर्म बाकी हो तो तुम डूबकर मर जाओ कहीं, और अगर डूबने के लिए कहीं पानी ना मिले तो कम से कम शर्म से अपने मुंह तो छुपा लेना। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि अब शर्म हिंदुओं में बची होगी, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हुआ और आज भी रुक नहीं रहा है। आपके नेता उसका विरोध नहीं कर सके, चलो ठीक है, वहां बहुत बड़ा भारत के बिजनेसमैनों का धन लगा हुआ है, हिंदू वहां कई लाख मारे गए, इसकी कोई महत्व नहीं है, लेकिन बिजनेसमैनों को पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये आज की सरकार, हमारे जो तथाकथित हिंदू सरकार है, उसकी ये प्राथमिकता ठीक है, आप व्यापार करते रहिए, लेकिन अब क्रिकेट भी खेलोगे, क्रिकेट भी यहां हमारी छाती पर खेलोगे बांग्लादेशियों को बुलाकर, कुछ तो शर्म करो। आज क्रिकेट को चला कौन रहा है? हमारे माननीय लौह पुरुष केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का बेटा आज पूरी दुनिया के क्रिकेट को चला रहा है। तो आज भारत में ये इनके जो मैच हो रहे हैं बांग्लादेश के और भारत के, इसे कोई कांग्रेस नहीं करवा रही है, इसे कोई सेकुलर पार्टी नहीं करवा रही है, हमारी तथाकथित हिंदू सरकार, हमारे तथाकथित हिंदूवादी इन मैचों को करवा रहे हैं। अब साहब ने गोदी मीडिया से बात करते हुए भले ही फेंकम फांक करते हुए बोल दिया होगा कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, मगर इतना तो तय है कि आज उनका जन्मदिन हो सकता है, लिखित में तो यही है। हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं और बधाई, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और ईश्वर उन्हें इतनी शक्ति दे कि सच बोल सकें, झूठ जरा कम बोलें, अपने ही देश में आग न लगाएं, नफरत के बीज न बोएं, इतनी हिम्मत दे भगवान उन्हें कि मणिपुर जा सकें, डरे नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।